हेलो दोस्तों, मैं अंजुला स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल देव अंजुला 06 पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वैक्सिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। लेग वैक्स कैसे करते हैं मैं आज आपको अपने वीडियो में दिखाऊंगी। दोस्तों, मार्केट में तो बहुत सारे वैक्स मिलते हैं, हनी वैक्स, चॉकलेट वैक्स, रीका वैक्स, आपको जो पसंद आए वो आप मार्केट से ख़रीद सकते हो। और बहुत ही आसान तरीक़ों से आप घर में वैक्स कर सकते हो। वैक्स करने का तरीका लगभग सभी का एक ही होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है। हर वैक्स को करने में वैक्स को अच्छे से लगाना होता है, फिर अच्छे से बाल को रिमूव करना होता है। सभी का एक ही प्रोसेस है, इसीलिए आज मैं अपने वीडियो में आपको कैसे वैक्स किया जाता है वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, आपको बताना चाह रही हूँ। आज मैं जो वैक्स यूज़ की हूँ वो हनी वैक्स है, हनी बी का हनी वैक्स है। और देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, और आप चाहें तो कोई भी वैक्स खरीद के आप इसी प्रोसेस से कर सकते हो। देखिए, मेरी जो लड़कियां हैं वो पहले वैक्स को वैक्स हीटर में गर्म कर दी। इतना गर्म करना है जो आपका शरीर उसको सह सके। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म करना है या फिर बहुत कम गर्म करना है। बहुत कम गर्म कीजिएगा तो हेयर रिमूव नहीं होगा, और ज़्यादा गर्म कीजिएगा तो आपका स्किन जलने लगेगा। इसीलिए आपको उतना ही गर्म करना है जितना आपका शरीर बर्दाश्त कर सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं पाउडर लगा दी। पाउडर लगाने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद धीरे धीरे एक एक छोटा छोटा पतला पतला अपना लेयर वैक्स का लगाते हुए चली गई। जैसे आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है, बस सेम वैसे ही आप करते जाइए। अगर आपको आइडिया नहीं है तो वैक्स स्ट्रिप्स को हाफ कट कर लीजिए। जैसे आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है कि मेरी लड़कियां ने स्ट्रिप्स को कट कर दिया है, क्योंकि शुरू में लंबे लंबे स्ट्रिप्स से हाथ नहीं बैठा हुआ रहता है, इसीलिए डिफ़िकल्ट होता है करने में। अगर आप हाफ कट कर देंगे वैक्स स्ट्रिप्स को तो उसको करने में बहुत आसान होता है। शुरुआती दौर में हाफ स्ट्रिप्स कट करके कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे देखिए, आपको वीडियो में देखने को मिल रहा होगा कि बस थोड़ा थोड़ा लगा रही हैं और फटाफट रिमूव करते जा रही हैं हेयर को। सेम वैसे ही आपको भी करना है, बस गरम कर लीजिए। गरम करके अच्छे से लगा दीजिए। लगाने के बाद छोटे छोटे वैक्स स्ट्रिप कट करके उसमें चिपकाइए, और चिपका के फटाफट फटाफट निकालते हुए चले जाइए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बस निकलता हुआ चला गया। फिर से लगाइए, लगा दीजिए वैक्स स्ट्रिप को पतला पतला, वैक्स को पतला पतला लगाना है। मैं वैक्स स्ट्रिप्स बोल दी, सॉरी फ्रेंड्स, बोलने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। देखिए, अब वैक्स स्ट्रिप्स को लगाते हुए बस फटाफट घींचते जाइए। कोई भी डरने की बात नहीं है, बस स्किन को थोड़ा टाइट कर लीजिएगा। हाँ, और बस निकालते हुए चले जाइए फटाफट फटाफट। देखिए, फिर वैक्स लगाइए पतला पतला और अच्छे से खींचते हुए चले जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए, बस डरना नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में थोड़ा डर लगता है वैक्स करने में, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है। जो लड़की अभी कर रही है, आपको वीडियो में जो देखने को मिल रहा है, वो भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा डरती थी, लेकिन 2-3 बार वैक्स करने के बाद देखिए अभी कितना अच्छा फटाफट कर रही है। आपके सामने है उदाहरण, बहुत अच्छा। अब देखिए, बस फटाफट फटाफट खींचते हुए चले जाइए सारे बालों को। बस सिर्फ ध्यान दीजिएगा कि जिधर से बाल है उसके अपोजिट साइड से आपको बाल को निकालना है। ऐसा नहीं कि बाल जिस तरफ है उसी तरफ से निकाल रहे हो, तब नहीं निकलेगा बाल आपका। अपोजिट साइड से निकालना है, ऐसे सीधे लगाना है वैक्स को, और उल्टी तरफ से देखिए, जैसे उल्टा होकर ऐसे घिस देना है बस।
घींचना है और कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा सीधा घींचिए ताकि ज़्यादा पेन ना हो। थोड़ा सा स्किन को टाइट कर दीजिए हाथ से और बस घींचते हुए जाइए। हो गया कंप्लीट दोनों पाँव का, और अच्छे से पोंछ दीजिए, हैंगी को भींगा कर अच्छे से पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम अच्छे से मालिश कर दीजिए, ताकि बाल जब रिमूव होते हैं तो थोड़ा सा झंझनाहट तो दोनों पाँव में होने ही लगता है। अगर उसको अच्छे से मालिश कर दीजिएगा मॉइस्चराइज़र क्रीम से तो कस्टमर खुश हो जाते हैं और बार बार आपके पार्लर में आएंगे। देखिए ये मॉइस्चराइज़र क्रीम है, और उसको अच्छे से मालिश कर दीजिए पाँव में। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगी, मुझे सपोर्ट कीजिए। देखिए कितना अच्छा से मालिश कर दे रही हैं ताकि इस कस्टमर का सारा पाँव दर्द ख़त्म हो जाए। देखिए कितना साफ़ सुथरा और खूबसूरत पाँव लग रहा है। देखिए साफ लग रहा है, बस इनके पाँव में अच्छा